श्रीनाथ जी गुरु जी को अलख आदेश, माँ भगवती को अलख आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलख आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। आज योगिनी साधना के क्रम में हम तीसरी योगिनी की साधना करेंगे, कनकवती योगिनी की। बहुत अच्छा लगा जान करके कि पिछले वीडियो को देख करके कुछ साधक योगिनी की साधना कर रहे हैं और उनको जो है अनुभूतियाँ प्रत्यक्षीकरण के रूप में भी हुई हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो अष्टयोगिनी की साधना है, जो कर लेगा उसका कोई उसको कोई पराजित नहीं कर सकता है। कनकवती योगिनी की जो साधना है, जैसे जैसे आप योगिनी साधना में आगे बढ़ेंगे तो थोड़ा थोड़ा मुश्किल होता जाएगा ये साधना, ठीक है। इस साधना को किसी ऐसे स्थान पर करना चाहिए जहाँ पर बिल्कुल भीड़ भाड़ ना हो और आवाजाही ना हो। 8 रात्रि की ये साधना होगी और 8ों रात्रि आपको बलि देना होगा, ठीक है। इसमें भी क्या है कि जो आप बलि देंगे वो पशु बलि आपको खुद से देनी है, आप किसी का मदद नहीं ले सकते, खुद से आपको बलि दे करके तुरंत वहाँ पर पूजा करना है। तो ये तंत्र का जो है एक पड़ाव है, जब आप एक भय से खुद जीतते हैं। एक वटवृक्ष चुन लीजिए और उसके नीचे बैठ करके योगिनी की पूजा कीजिए। कैसे करेंगे पूजा? पहले तो प्राणायाम करेंगे ह्रीं के उच्चारण के साथ। प्राणायाम में क्या, अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम करते समय जितने देर में आप सांस लेंगे उतनी देर रोकेंगे, फिर उसको दूसरे नासिका से छोड़ देंगे, ठीक है। और फिर ह्रीं के उच्चारण के साथ ही आप जो है हाथों का ओम ह्रीं अष्टाभ्याम नमः, ओम ह्रीं तर्जनीभ्याम नमः, ओम क्लीं मध्यभ्याम नमः, ओम क्लीं ओम ह्रीं अनामिकाभ्याम नमः, इस तरीके से अपने हाथों को शुद्ध कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद बिल्कुल शांत मन से थोड़ी देर बैठेंगे और फिर जो बलि है उसको देंगे वटवृक्ष के नीचे, ठीक है। और फिर बलि को वटवृक्ष के नीचे रख करके उसका जो सर है उसके ऊपर एक दीप प्रज्वलित करेंगे और साथ में जो रक्त आपको मिला है वो उसको बोलेंगे उच्छिष्ट रक्त, ठीक है। उसको अर्घ के रूप में कनकवती योगिनी को प्रसाद रूप में आप दे देंगे। अर्घ जो होता है अर्घ पात्र होता है उसमें दिया जाता है, ठीक है। इतना करने के बाद उनका ध्यान करेंगे, धूप दीप जो है वो जला देंगे। प्रसाद के रूप में आपने पहले ही जो बलि है वो दे दिया, अर्घ जो दे दिया वो भी प्रसाद हो गया, ठीक है। उसके बाद इनका ध्यान करना है, ध्यान जो है अपने हृदय में करना है। ये बालिका स्वरूप में लाल वर्ण पहनने वाली भगवती है, इनका सब कुछ लाल होता है, ठीक है। प्रचंड वदना मतलब बहुत जोर से बोलने वाली, प्रचंड वदना देवी पंच बिंब धरा प्रिय रक्तांबरम धरा बालम सर्व काम प्रदा शुभम, ठीक है। तो सब काम को देने वाली भगवती को नमस्कार है, ठीक। और इतना ध्यान करने के बाद भगवती का जो मंत्र है उसका जाप करना चाहिए। 3 बार मैं आपको भगवती का मंत्र बताता हूँ। ओम ह्रीं हुम रक्ष कर्मणि आगच्छ कनकवती स्वाहा। ओम ह्रीं हुम, देखिए पहला बीज में ग का उच्चारण है, दूसरा में म का उच्चारण है, ठीक है। तो ओम ह्रीं हुम रक्ष कर्मणि आगच्छ कनकवती स्वाहा। एक बार फिर से सुनिए, ओम ह्रीं हुम रक्ष कर्मणि आगच्छ कनकवती स्वाहा। तो इस मंत्र का आपको 7 दिन तक जाप करना है। पूजन विधान जो शुरुआत में बताया है वैसे ही, मतलब 7 दिन में 7 बलि दे करके भगवती को जो है जो रक्त है उससे अर्घ दे करके और जाप करना है। कितना जाप करना है? तो शास्त्र कहता है कि योगिनी के ध्यान के बाद प्रतिदिन, देखिए सुबह और शाम नहीं लिखा या रात्रि नहीं लिखा या प्रहर नहीं लिखा, लिखा है कि प्रतिदिन 10,000 यानी 10,000 की संख्या में जाप करना चाहिए, ठीक है। तो एक
साधना स्थल आपने ले लिया और वहाँ बैठ करके 10 सहस्र जो है आपको इस मंत्र का 7 दिन तक जाप करना चाहिए। 7 दिन आपने जब 10 सहस्र मंत्र का जाप कर लिया तो 8वें दिन फिर से पूजन विधान वही होगा जो बलि करके और जिस तरीके से भगवती को अर्पण कर किया आपने वो कर लिया। उसके बाद 8वें दिन दूसरा बलि फिर से 10,000 जाप के बाद पड़ेगा, वो आधी रात्रि में होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, इस साधना को शुरू करने का भी जो अच्छा समय है वो मध्य रात्रि ही होता है कि मध्य रात्रि से आपने पूजा शुरू कर दी। जो मध्य रात्रि है वो पहला दिन गिनाएगा, ये ध्यान रखिएगा, इंग्लिश वाला दिन रात नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो फिर जाप के बाद फिर जो है आप एक और बलि प्रदान करेंगे 10,000 के बाद, और इतना करने से ये जो साधना है ये संपूर्ण हो जाती है। इसके बाद आपको हवन, मार्जन, तर्पण ऐसा कोई भी विधान करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इतना ही करने से जो है ये साधना पूर्ण हो जाती है। उसके बाद स्नान ध्यान करके वापस घर आपको चले जाना चाहिए। देखिए, एक विषय है कि कनकवती योगिनी की जो साधना है वो गृहस्थ ना करें, ठीक है। गृहस्थ अगर कर रहे हैं तो वो शादीशुदा ना हो, और शादीशुदा अगर हैं तो वो घर छोड़ने के लिए तैयार रहें। उसका क्या कारण है कि जब आप इस साधना को पूर्ण कर लेते हैं तो भगवती जो है आपके घर पर आती है। जहाँ आपने साधना किया वहाँ पर उनका अवतरण नहीं होगा, वहाँ पर उनकी अनुभूति नहीं होगी, वहाँ उनका पर आपको प्रत्यक्षीकरण नहीं होगा, वो आपके घर पर ही आएंगी, ठीक है। और आएंगी अकेले नहीं, पूरा दल बदल के साथ, मतलब सेवक सेविकाओं के साथ आती हैं, है ना। और उसके बाद जो भी साधक है उसके साथ भार्या रूप में ही रहती हैं, और जो भी अभिलाषित तो उसका वर है, जो वस्तुएं हैं, जो भूषण है, वो सब जो है वो प्रदान करती हैं। लेकिन इसमें यही है कि जो विधान बताया उसको बिल्कुल ही अल्टर आप नहीं कर सकते। आपके जो साधना स्थल है वहाँ कोई आ गया तो आपकी साधना खंडित हो गई, आप कहीं और चले गए साधना स्थल ही को छोड़ कर गए तो आपकी साधना खंडित हो गई। एक दिन में 10,000 पूरा नहीं कर पाए एक जगह बैठ के तो साधना खंडित हो गई। बलि आपका अगर एक मिस हुआ तो आपको तुरंत दूसरी बलि को तैयार रखना कि बलि जो है वो जैसे आप निवेदन करें वो स्वीकार हो जाए, परीक्षा उसकी वो एक बार में कट जाए, है ना। तो बहुत सारे विषय नहीं हैं जिस पर आपको गौर करना है, लेकिन जो विषय हैं उन सब विषयों को बिल्कुल ही ध्यानपूर्वक करना चाहिए। इसमें एक विषय और बताऊंगा कि जो शास्त्र सम्मत है कि जो विधान लिखाते समय जो युग चल रहा था और आज का जो युग है उसमें 4 युगों का अंतर है, तो हम लोगों को सिद्ध करने के लिए एक दिन में कायदे से 40,000 बार इस मंत्र का जाप करना होगा एक दिन में, ठीक है ना। और जो 8वें दिन है उस दिन तो आपको बैठना है और मध्य रात्रि तक इसका जाप करते ही रहना, उस दिन गिनना ही नहीं है, ठीक। मध्य रात्रि जैसे होगी उसके बाद जो है बलि प्रदान करके अपने घर चले जाना। फिर भगवती को लगा कि आपने जो साधना करी है वो सही की है और आपको जो अभिष्ट फल मिलना चाहिए, तो भार्या रूप में आपके घर में भगवती विराजेगी। ये ध्यान रखिएगा, गृहस्थ ना करें बिल्कुल नहीं। जो गृहस्थ करेंगे उनके घर में ये समन्वय होना चाहिए कि उसके बाद जो है उनका संबंध बिल्कुल ही साफ सुथरा रहेगा घर परिवार से, या फिर वो अपने घर परिवार को छोड़ दे। और अगर ये कोई ऐसे व्यक्ति कर रहे हैं जिनका जिनकी गृहस्थी अभी नहीं बसी है तो उनके लिए विधान सर्वोत्तम है, ठीक है। बहुत सारा ऐसा उपाय है जो कि देवताओं ने दे रखा है उन लोगों के लिए जो कि सिर्फ साधना मार्ग में है, उसी में से एक ये जो है एक साधना है। अगली साधना हम आपको कामेश्वरी योगिनी के की बताएंगे जो कि इस श्रृंखला में 4था वीडियो होगा। साथ में एक विषय और कि आगामी जो 2 और 3 तारीख है बनारस में साधना शिविर होने वाला है। साधना शिविर में आप लोग आ सकते हैं। साधना शिविर का जो क्या शुल्क है और कहाँ रहना है इसके लिए आप हमारे YouTube के कम्युनिटी सेंटर पर जाएंगे, कम्युनिटी सेंटर पर सारा डिटेल दिया हुआ है। इस साधना शिविर में हम आप लोगों को जो गुरु मंत्र लेने से पहले आपकी तैयारी होनी चाहिए और कोई भी साधना को करने से आपको क्षति ना पहुँचे ये सारी तैयारियाँ हम आपको करवा देंगे। आज के लिए इतना ही। भगवती योगिनी आप सभी को योग में महामाया के प्रसाद से
बनाए और साथ में रांची वाले भैरव बाबा आप सभी को अनंत सुरक्षा, अनंत धन, अनंत वैभव दे, ऐसी मेरी उनसे प्रार्थना है। आप सभी को आदेश आदेश अलख आदेश। देवराज सेव्यमान पावनाग्रि पंगजम् व्यालयज्ञसूत्रमिन्दुशेखरं कृपाकरम्।